क्योंकि यहाँ पे मोहतरमा चांदनी सबनम साहिबा और मोहतरमा निकहत अमरोही इस स्टेज पर मौजूद हैं, और उसके तुरंत बाद ये दोनों लोगों को आधा आधा घंटा का टाइम दिया जाएगा। उसके तुरंत बाद जैसे कव्वाली का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, तस्लीम आरिफ और रौनक परवीन और उनके पूरे टीम लोग जैसे खाना खा रहे हैं, उसके बाद वो लोग भी 10 मिनट के बाद तुरंत यहाँ पे आ जाएंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को ये पता है कि ये प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हमारे सैफ अली बाबू हैं, और सैफ अली बाबू जो कि नौसे हैं, मैं सैफ अली बाबू को बधाई देता हूं इसलिए कि आज जो ये मुशायरा कार्यक्रम रखे हैं, आप मुशायरा प्लस कव्वाली का कार्यक्रम रखे हैं, मैं ज्यादा आप लोगों से टाइम नहीं लूंगा, काफी विलम्ब हो चुका है, मात्र 5 मिनट में संबोधित कर और इस प्रोग्राम को मैं शुरू कर दूंगा। मैं सैफ अली बाबू के बारे में मैं ये बता दूं आप लोगों को, जी मैं मात्र 2-3 मिनट में इस कार्यक्रम को शुरू कर रहा हूं, और यहां पे हमारे कमरू जमा भाई जो कि पूर्व मुखिया हैं और हमारी जो आज की जो बनी हुई है दुल्हन यानी नाज़नी अली उनके मामू हैं, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत कीजिए। और सीधी विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक राजेंद्र राम भाई भी यहाँ पे उपस्थित हैं, इनके लिए भी एक बार स्वागत कीजिए जो कि यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारे मिनिस्टर यादव कुटवा उप प्रमुख ये भी यहाँ पे उपस्थित हैं, सिराज भाई एएमआईएम के उप अध्यक्ष ये भी उपस्थित हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम अभी बाद में लूंगा। मैं ये आप लोगों को बतलाना चाह रहा हूँ कि ये वो काम है जिस काम को किसी समय से मतीउर रहमान सांसद साहब करते आ रहे हैं, जिस काम को किसी समय से नजमुद्दीन आसमी साहब करते आ रहे हैं, जिस काम को किसी समय से फैसल रहमान विधायक करते आ रहे हैं, और जिस काम को आज भी हमारे मोतिहारी जिला के अंदर महबूब अली साहब करते आ रहे हैं, उस काम को हमारे सैफ अली बाबू यहाँ पर करके और 10,000 लोगों का मजमा भी थे, एक बार सैफ अली के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और सैफ अली जो कि मेरा खुद का स्टूडेंट है, और आज मैं इतना खुश हूँ, फल रहा हूँ, फूल रहा हूँ, खिल रहा हूँ, उछल रहा हूँ, और असर में छलांग लगा रहा हूँ कि आज हमारा सागर मतलब उस बुलंदी पर पहुंच गया जो अपने मैं 27 वर्षों के उम्र में, और हमको इतना बड़ा स्टेज दे दिया। मैं भी सांस्कृतिक कार्यक्रम कराता हूँ, 11 सांस्कृतिक कार्यक्रम 26 जनवरी का प्रोग्राम मैं गढ़वा खजुरिया चौक पर कराता हूँ, उसमें सभी हमारे राजेंद्र भाई विधायक लोग सभी लोग रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा स्टेज मुझे सैफ अली बाबू दिए, ये मेरे जीवन का पहला स्टेज है, मैं इस स्टेज को कभी नहीं भूल सकता हूँ, ये बहुत बड़ा स्टेज है, इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से। और आज इस प्रोग्राम में मुशायरा की दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती मोहतरमा चांदनी सबनम और निकहत अमरोही को यहाँ पर उपस्थित सैफ अली बाबू कर चुके हैं, और एक आवश्यक सूचना मैं आप लोगों को बता दूं कि इस प्रोग्राम में प्रोग्राम के बैनर तले आप लोग देख रहे हैं सबा बलरामपुरी जो कि मुशायरे की दुनिया की बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी नाम है, लेकिन अचानक एक दुखद न्यूज आया, एयरपोर्ट पर आई थी तब तक उनके पिताजी का हार्ट अटैक कर जाने की वजह से उनको रिटर्निंग जाना पड़ा, और इस प्रोग्राम में वो शिरकत नहीं फरमा पाई है, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा। सैफ अली बाबू जो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हैं, और धीरे धीरे इस प्रोग्राम में हमारे चीफ गेस्ट लोग शिरकत करते हुए मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी प्रोग्राम तभी सक्सेस होता है जब पब्लिक दिलोजान से और पूरे अपने अरमान से पूरे दिल से प्रोग्राम में चॉइस करेगी, तब जाकर के ये प्रोग्राम हिट करेगा। आप सबों को पता है कि कोई भी कलाकार पैसे का भूखा नहीं होता है, वो बस आपके तालियों का भूखा होता है, आप पैसा नहीं दीजिएगा वो ठीक है, लेकिन अगर कोई कलाकार हारा या चांदनी सबनम साहिबा या निकहत अमरोही अगर कोई भी गजल या नजम पढ़ रही है और कहीं ना कहीं आपके दिल को अगर छू रहा है, तो एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिएगा, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। मैं सैफ अली बाबू के लिए 4-5 मिसरे उनके रेस्पेक्ट में पढ़ने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं तुरंत प्रोग्राम को शुरू कर दूंगा। मैं प्रोग्राम का आगाज यहाँ से करने जा रहा हूँ कि काम सब है जरूरी है जो सब करते हैं, काम सब है जरूरी है
जो सब करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं लेकिन गजब करते हैं। आपकी नजरों में सूरज की है जितनी इमत, आपकी नजरों में सूरज की है जितनी इज्जत, हम चरागों का भी उतना ही अदब करते हैं, हम चरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। वो सबको गले से लगा के चलता है, यानी सैफ अली बाबू के लिए मैं बोल रहा हूँ कि वो सबको गले से लगा के चलता है, वो गरीब को भी अपना बना के चलता है। कोई कैसे लगाए हमारे सैफ अली बाबू के का अंदाजा, अरे वो आकाश है फिर भी सर को झुका कर चलता है, वो आकाश है फिर भी सर को झुका कर चलता है। लाखों तारे एक हैं सिर्फ एक चांद के लिए, और लाखों चांद एक है सिर्फ एक तारे के लिए। हम जैसे लाखों के सैफ अली बाबू आपके लिए, पर आप लाखों में एक हैं हमारे लिए, पर आप लाखों में एक हैं हमारे लिए। एक बार जोरदार तालियों से सैफ अली बाबू के लिए ताली बजाइए, क्योंकि आप जानते हैं उसके बात करने का अंदाज गालिब और मीर के वैसा है, उसका चेहरा गुलाब के फूल के पंखुड़ी जैसा है। मैं क्या बताऊं तुमको यार, मेरा सैफ अली कैसा है, चांद सा नहीं है वो, चांद उसके जैसा है, चांद सा नहीं है वो, चांद उसके जैसा है। हालांकि ये हर वक्त कहानी नहीं लिखती, तारीख कभी फूल को पानी नहीं लिखती, इस दौर में जीना है तो सैफ अली की तरह कोहराम मचा दो, क्योंकि दुनिया किसी गुंगे की कहानी नहीं लिखती, दुनिया किसी गुंगे की कहानी नहीं लिखती। एक बार जोरदार तालियों स्वागत कीजिए। अब मैं हिंदुस्तान की एक ऐसी शायरा मोहतरमा चांदनी शबनम साहिबा, जो कि हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू को लेकर पूरे दुनिया में इस हिंदुस्तान का परचम लहरा रही हैं, पूरे दुनिया में इस हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, एक ऐसी शायरा जिसको स्वरों की रानी, सुरों की रानी, आवाजों की रानी कहा जाता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा साइड हो जाए, क्योंकि काफी ज्यादा क्राउड है और शांतिपूर्वक से प्रोग्राम को शुरू किया जाए। आप लोग साइड हो जाए, प्लीज साइड हो जाए। मोहतरमा चांदनी शबनम साहिबा माइक पर आए और अपने आवाज से नवाजें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मोहतरमा चांदनी शबनम साहिबा। एक बार ताली बजाने में मजा नहीं आया यार, अरे बता दो चंपारण के सरजमीन के नौजवान है, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। शुक्रिया। ज़्यादा कॉलेज देखिए।